हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। और ये जो पार्ट स्पीकर हैं आप देख रहे हैं, एक है LG का XL5S और साथ ही मेरे पास है दूसरा JBL का 110। आप देख सकते हैं JBL यहाँ पे इस तरह से दिखता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको इसका लोगो देखने को मिल जाता है और फ्रंट में साथ ही मेटल मेस देखने को मिलता है। LG में आपको टॉप में यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और नीचे की साइड आप देखते हैं तो यहाँ पे X-Boom लिखा होता है और इस तरह से इसका लुक आप देख सकते हैं। टॉप में कुछ कीज़ दी हुई हैं जो कि आपको यहाँ पे ऑन ऑफ़ का है, जो कि आप बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह से ऑन हो जाता है और आपको यहाँ पे रिंग लाइट देखने को मिल जाती है। साथ ही कुछ और बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी लाइट को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है। साथ में बेस बूस्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आप पार्टी लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पे 12 घंटे का बैटरी बैकअप है। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे इसमें फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखते हैं JBL में तो JBL में थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो इसमें जो लाइटिंग है वो काफ़ी LG से काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ अलग तरह की लाइटिंग है। साथ ही बटन इसका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। इसके बटन को आप इससे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, बाकी इसमें जो लाइटिंग है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें और एक्स्ट्रा फीचर जो है, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं, जबकि JBL में ये ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ है, यहाँ से फ़ोन आपका नीचे गिर जाता है। अब यही चीज़ अगर आप JBL में देखते हैं तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है सेम। थोड़ा सा JBL जो है LG से आपको अच्छा देखने को मिलता है। दोनों का बैटरी बैकअप आपको 12 घंटे का देखने को मिलता है। और अगर लुक देखते हैं तो ये आपको थोड़ा सा गोल लुक देखने को मिल जाता है, और जबकि JBL आपको थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा यहाँ पे लुक देखने को मिलता है, स्टाइलिश। ठीक है ना, आपको JBL वाला काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो LG में एक साइड में आप इसको नीचे रख सकते हैं, ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे X-Boom देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। और क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है LG की, आप देख सकते हैं। और साथ ही JBL का आप अगर बात करते हैं तो दोनों साइड आप यहाँ पे इसको नीचे लिटा के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको नीचे लटा देता हूँ, इसी तरह से आप इसको दूसरी साइड भी लटा के रख सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी बेहतरीन लुक यहाँ पे देता है। अगर बात करते हैं इन दोनों में फीचर की, तो इसका जो बटन है कुछ पीछे दिए हैं जैसे TWS, सेम इसी तरह से अगर दूसरा स्पीकर कनेक्ट हो तो आपको पीछे करना पड़ेगा। बाकी USB आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे माइक के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गिटार के लिए देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पार्टी लिंक का ऑप्शन ऊपर ही दिया होता है LG में। ये इसका थोड़ा बेटर फीचर है। गिटार के लिए ऑप्शन है, माइक के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पे USB के लिए ऑप्शन है। आप यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि दोनों में लगभग सेम है। तो दोस्तों, आप करते हैं दोनों का साउंड टेस्ट। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।